अगर इंसान जुड़ जाए तो कई बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरे को डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, लेकिन पिछले 5-7 साल से मेरे को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज़ मेरे को कब हुई और कब चली गई, ब्लड प्रेशर कब हुआ और कब चला गया। दो ढाई साल तो कोरोना ने ले लिए, ये सबके लिए, पूरा वर्ल्ड इससे प्रताड़ित रहा, हम भी प्रताड़ित रहे। आप निकलना चाहो तो निकल नहीं पा सकते थे, आप शो करना चाहो तो परमिशन नहीं थी। आज सरकार ने शो करने की परमिशन दी, हमने मेरे शो तो वैसे होते ही रहते हैं। मैं आपके बताता हूँ कि मैं किसी भी शो में किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लेता हूँ और ना होटलिंग लेता हूँ, ना व्हीकल लेता हूँ, ना आने जाने की फ्लाइट की टिकट लेता हूँ। ये मेरा शौकिया काम है, मैं शौक पूरा कर रहा हूँ, इसी में मेरे को खुशी मिलती है, इसी में मेरे को बहुत मज़ा आता है। सीधा सही गाना सीधा मेडिसिन है, और इस मेडिसिन का अच्छे गुरु से अगर सीखते हो आप, अच्छा गुरु ही शिक्षा देता है। मेरे गुरु ये हैं भवदीप जी जयपुर वाला, आइए भैया आप इधर आ जाओ। ये हेमंत भाई साहब हैं, ये भी संगीत में बरसों से जुड़े हुए हैं और संगीत में खुश रहती दुनिया ही है, लेकिन इसका वही जान सकता है जिसको सच्चा गुरु मिले, ईमानदार गुरु मिले। और जो सुर राग ताल ढंग से सिखा सके तो ही ये मेडिसिन का काम करती है, नहीं तो माशाल्लाह मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सच्चा गुरु मिला है, मैं सिखाऊँ। गलत का क्या हो सकता है ये तो सोच सकते हैं, मेरे गुरुजी बता सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को सच्चा गुरु, अच्छे गुरु हेमंत भैया भी मेरे को सिखाते, भवदीप जयपुर वाला साहब भी सिखाते, भाई साहब भी संगीत से बरसों के साथ जुड़े हुए हैं, नितिन शंकर नाम है इनका, ये भी बड़े बड़े ग्रुपों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। ऐसा है हर पड़ाव में कोई ना कोई सपोर्टर होता है, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने दोस्त ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो मैं हर स्टेज शो में बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये मेरे को दिल को छूता है, रोज़ कभी एक दो बार तो गुनगुना लेता ही हूँ, क्योंकि दोस्ती है जिन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है और हम आगे बढ़े। किशोर जी, आप इतने बड़े टाइकून हैं बिजनेस के, संगीत के लिए आप समय कैसे निकाल लेते हो, जो इंदौर में आपको एक्सपोजर हुआ है, और उसके बाद की जो आपके पेरेंट्स को थे पद्मभूषण उस्ताद गुलाम अली साहब, वो भी आपने सबसे अच्छे सीखा है, तो ये सीखने के लिए जो समय, रियाज भी करना, सीखना भी, प्रस्तुति के लिए कितनी चुनौती है? काम चोरी करो तो समय नहीं होता है, काम में ईमानदारी से करते रहो सब कुछ समय निकलेगा। आज संगीत के लिए भी निकलेगा, फैमिली के लिए भी निकलेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए भी निकलेगा। कोई भी जो काम चोर होता है ना, उससे पूछो कैसे हो, क्या चल रहा है, बोले बहुत बिजी हो, ये काम चोरी की निशानी है। और सही व्यक्ति कि हाँ भाई साहब टाइम निकालते, वो निकालना ही चाहिए। संगीत में समय निकालोगे तो ही तो हेल्दी रहोगे, हेल्दी अगर आपकी हेल्थी नहीं है तो फिर बचा गया जीवन के अंदर, सब पैसा बेकार है। अच्छा, आपके एल्बम भी आ रहे हैं? हाँ, एक एल्बम आ रहा है 6 गानों का, जल्दी नहीं, उसमें अलग अलग ट्रैक पे प्यार के गीत हैं, सूफी है, अलग अलग पंजाबी है, एक आध गाना बिहारी है, इस तरीके से अलग अलग 6 गाने, 6 जल्दी हम 1-2 महीने के अंदर वो एल्बम लॉन्च कर देंगे। जी, आप जो संगीत की शिक्षा किशोर जी को किस तरह से पढ़ा? किशोर भाई बहुत मेहनती हैं और बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं ये, फिर भी गाने का इनका जो जुनून है वो ऐसा है कि ये गाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर रियाज करते हैं,
जो आज की तारीख में बहुत कम लोग शायद कर पाएंगे। सुबह 4 बजे उठकर ये रियाज करते हैं और जो रास्ता इनको मैंने बताया है और उस रास्ते पर ये बिल्कुल लगातार रियाज करते रहे। अभी बीच में क्योंकि 2-2.5 साल से कोविड का टाइम था तो मिलना जुलना ज़रा मुश्किल था और ऑनलाइन में बहुत सारे नुएंसेस रह जाते हैं तो ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रियाज जो है वो जारी रखा और हेमंत इनको रियाज करवाते हैं, इनको हेमंत भी सिखाते हैं और हेमंत इनके साथ इंदौर ही रहते हैं। तो टाइम मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने टाइम मैनेज किया है, रियाज करते हैं और स्टेज पर बड़े दबंग तरीके से गाते हैं जो आप लोगों ने अभी सुना ही होगा। और इनका जो प्रेम है संगीत का वो बहुत बड़ा विलक्षण है और ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कि ये शायद अब अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, अभी पूरी तरह से गाने पर ही समर्पित है और गाने को ही अपना पूरा समय देते हैं और ये यानी अपना भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं रियाज के पीछे। और लगभग इनको मैंने जो जो दिया है रियाज का जो एक पूरा पैटर्न उसमें करीब 4 घंटे लगते हैं और 4 घंटे का रियाज करते हैं लगातार, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत से रियाज कर पाते हैं। तो इंदौर में जो स्टूडियो है जी वो 10 गाने रिकॉर्ड होते हैं उसका दूसरे दिन वीडियो होता है जी, यूट्यूब आपका बहुत लोकप्रिय है, तो नई नई जो स्थापित गायिका है तो वो किस तरह से वो 10 गाने की रिकॉर्डिंग और वीडियो बनना? इनका ट्रैक हम रोज़ बनाते हैं और ये पूरा टाइम देते हैं और नई नई सिंगर आती है हमारे, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हर शहर से आते हैं और हर गाना रोज़ एक एक गाना हम रिलीज़ करते हैं। और किशोर भाई पिछले 5 सालों से लॉकडाउन में भी रिलीज़ किया गाना, तो ऐसा कभी एक ब्रेक भी नहीं हुआ है, इतने संगीत प्रेमी हैं और सबको चाहने वाले हैं संगीत को और इन्हीं की मेहनत है, हम तो इनको एक सपोर्ट करते हैं और बिजनेस के साथ साथ ये पूरा ध्यान संगीत में भी देते हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब ये रियाज नहीं करते और ऐसा कभी दिन आया नहीं कि वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ। ये तो मैं इंदौर में आया था इनसे मिलने के लिए, एक बार इन्होंने इनवाइट किया था, बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया इन्होंने और हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन भी हुए भगवान के वहाँ पर। और अभी आज मैं इनका प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ और मैंने अभी 2 ही गाने सुने, आपको सच बताऊँ कि कुछ लोग हैं कि अच्छा गाते हैं लेकिन किशोर भाई भी मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा तो ठीक है लेकिन वो सच्चा गाते हैं, जो गाते हैं वो दिल से गाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लें, वो दिल से गाते हैं और म्यूजिक की तरह, मतलब म्यूजिक की तरफ उनका जो पैशन है वो देख के मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वहाँ से इतने दूर से यहाँ बॉम्बे आके इतने लोगों को एंटरटेन करना, इतने लोगों को, मतलब ये म्यूजिशियंस के लिए, हमारे सिंगर्स के लिए एक बोलते हैं ना, एक अन्नदाता का काम कर रहे हो। वाह वाह। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने बहुत सारे लोगों को म्यूजिक सिखाते हो, जब किशोर जी आपके सामने होते हैं किस तरह उनको देखते हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ होता है और किस तरह से वो गीत की तरफ उनसे समझने को बताते हैं? ये सुबह हम लोग इनके पास जाते हैं, ये बुलाते हैं हमें, वहाँ पे ये रियाज करते हैं, फिर गाने का हम उनके साथ बैठते हैं, फिर आज गाना ये रिलीज़ हो रहा है, आज ये रिलीज करते हैं, वहाँ के म्यूजिशियन हैं तो हमारे साथ ही रहते हैं पिछले 5 सालों से और हर गाना एक एक हम रिलीज़ करते हैं और इनका पैशन तो इतना है कि ये हमेशा गाने में ही रहते हैं और साथ साथ बिजनेस भी संभालते हैं और टाइम देना इनसे सीखना चाहिए, तो म्यूज़िक को कैसे टाइम देते हैं, तो ये इनका एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सीखते वक्त एकदम बच्चे की तरह बन जाते हैं, जैसे बालक सीखता है वैसे सीखते हैं और बड़े यानी एक चीज़ को छोड़ते नहीं है, कोई चीज़ अगर बताई है तो उस पलटे को बस करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और वही चीज़ है इस वजह से ये आज यहाँ इस मकाम पे पहुँचे हैं, स्टेज पर इतनी देर तक 4 घंटे लगातार गा सकते हैं। तो किशोर जी, आप समय के हिसाब से कितना बदलाव देख रहे हैं गाने की तरफ, संगीत की तरफ, क्या लगता है कितना सारा बदलाव और क्या कुछ नया देखने को मिलता है? देखिए, साधना पूजा करते जाओ, फल की चिंता नहीं करना चाहिए और जिसने फल की चिंता करी वो आगे बढ़ नहीं सकता, बस करते जाओ बढ़ते जाओ, बाकी जो मालिक करेगा वो मंजूर है और सबको मंजूर होता है। आज राधे माँ भी हम देख पा रहे हैं पोस्टर पे, किस तरह से राधे माँ संगीत की तरफ
राधे माँ मेरी गुरु माँ है, मैं बरसों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे उनके प्रति श्रद्धा है, मैं दिल से देवी माँ है मेरी, मैं सब कुछ मानता हूँ और बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई सुख दुख होता है एक बार पूछ लेता हूँ, मेरा सुख दुख अपने आप दूर हो जाता है, ये मेरा मानना है। सजनी आए न बालम का करूं, सजनी आए न बालम खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न बालम। आज ये बात बहुत खूबसूरती के साथ कहती हूँ कि गाना गाना इतना आसान नहीं है। एज ए बिजनेस मैन होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए अपने आर्ट को साथ में ज़िंदा रखा है, और वो आर्ट ज़िंदा रखना ये अपने आप में खूबी है, क्योंकि उनके पास दो मिनट का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ट ज़िंदा रखते हुए बहुत सारे आर्टिस्टों की रोज़गारी बनाई है। आज कोरोना के बाद लोगों के पास काम नहीं है, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने साथ साथ लोगों का भी मान रखा है और लोगों को रोज़गारी देने का ये काम शुरू कर दिया है। इस शो के बाद उनके काफ़ी सारे शोज़ होने वाले हैं। रानी जी जो है इतने अच्छे सोशल वर्कर है और संगीत की बहुत प्रेमी है वो, और जितने भी संगीत गायन वादन में जितने लोग हैं सबको बहुत प्यार करते हैं, और ये संगीत की पुजारी आप बोल सकते हैं, और इज़ वेरी ग्रेट बिजनेसमैन। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनी हूँ। सो थैंक यू किशोर जी एंड पूरी टीम, सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा अपना एक सॉन्ग है, मैं वो गुनगुनाती हूँ, जो काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी यू नो मोर देन करीबन लास्ट मैंने जब देखा था तो 92,000 के ऊपर हो गया था, तो वो गाना मैं थोड़ा सा गाती हूँ। इट्स अ सैड सॉन्ग, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है सैड सॉन्ग पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, बट मैं पर्सनली स्टेज में फास्ट सॉन्ग परफॉर्म करती हूँ ज़्यादा, और मेरे जो भी गाने हिट हुए हैं वो या तो रोमांटिक हुए हैं या तो सैड रोमांटिक सॉन्ग्स। सो ये मेरा जॉनर है, मैं ज़्यादा रोमांटिक और सैड रोमांटिक गाती हूँ मेनली, पर मेरे काफ़ी सारे गाने जो है डांस में भी है, जैसे लव शप प्यार व्यार मूवी में मेरा एक सॉन्ग है बहुत ही अच्छा चला कुणाल गंजावला के साथ, वो भी मोर देन 150 मिलियन है यूट्यूब में टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था। तो गाइज अभी मैं अपना एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो प्लैनेट एंड प्रोडक्शन से रिलीज है। दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, तेरे